जिनकी सांवली स्किन है वो इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, हर छठ तेज कभी भी। और इस लुक को मैंने आन्या के बर्थडे पार्टी में किया था, एक में मैं ड्रेस में दिखा रही हूँ, एक में ऐसे दिखा रही हूँ। अब हम जा रहे हैं अपना मेकअप लुक क्रिएट करने, जिसके लिए मैं सबसे पहले वही बाबू वाला मॉइस्चराइजर लगाऊंगी लैक्मे का। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ेंगे। अभी हम ले रहे हैं वही कलर बार का थोड़ा सा प्राइमर, जस्ट थोड़ा सा, नाम मात्र, ज़्यादा नहीं। बहुत हल्की सी क्वांटिटी हमने लिया है, मुझे लगा पानी लेके आया। अब इसको भी हम थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ेंगे, जब तक हम आईब्रो को सेट करेंगे, जिसके लिए मैं पेंसिल जल्दी जल्दी में बोल नहीं पा रही कि बोलना क्या है। घुमा करने। तो अभी मैं सेम आन्या वाला फाउंडेशन लगा रही हूँ, शेड मेरा सेम है 230, और थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके लगाऊंगी। ये देखिए बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। सबसे इसकी प्लस, जो इसका प्लस पॉइंट है इस फाउंडेशन का, वो ये है कि आप इसको बहुत ही इजीली, ये देखिए, ब्लेंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और मैं कोई भी कंसीलर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं। पर्पल कलर का काजल नहीं है, लिप लाइनर। आन्या बोल रही है बगल में बैठी, पर्पल कलर का भी लिप लाइनर आने लगा। अरे सॉरी, क्या आने लगा? लाइनर तो हर काजल। लाइनर, हाँ काजल हर कलर का आता बेटा, काजल लाइनर बहुत लोगों को पसंद होता है ना लगाना। तो लाइट की वजह से मेकअप उतना खिलकर नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी बहुत है और मैं कोई भी लाइट नहीं जलाई हूँ। जस्ट मेरे जो रूम की लाइट है ना, बस मैं वही जला कर रखी हूँ, और अदर मैंने कोई भी लाइट नहीं जलाई है अलग। और एक दो रॉड होता है, बस वही है, दो रॉड। सो गाइस, फाइनली जो है हमारा फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट से अपने पूरे फेस को सेट करेंगे, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन। और अभी तक मेरा कोई भी कॉम्पैक्ट जो है ना, वो चेंज नहीं हो पाया, अभी मुझे कोई पसंद नहीं आया जो मेरी स्किन टोन को बहुत ही अच्छे से सूट करे। क्योंकि सांवली स्किन वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि जो आपके फेस को प्रॉपर सूट कर ले, यानी कि अच्छा लगे जो आपके फेस पे। ऐसे मैं पिंक लाइट शेड पिक करूँगी, हल्का सा मैस्टर निकालूंगी। तो मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10 तरह के प्रोडक्ट हो तभी आप मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, मेरे पास ब्लशर हाइलाइटर नहीं है, फिर भी मैं आई पैलेट से अपना ब्लशर और हाइलाइटर का काम चला रही हूँ। जब आप आई पे लगा सकते हो तो फेस पे क्यों नहीं, है ना। यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी अच्छे से। इसके बाद मैं आज एक ट्रांजिशन शेड ली हूँ, जो मैंने अन्या के लिए लिया था सेम। अगर आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए, बस हल्का सा टच दूंगी, आप चाहो तो फिंगर से भी टच दे सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे दो शेड पिक कर रही हूँ, एक तो है मेरा ये गोल्डन, उसके बगल में है थोड़ा सा येलो टोन में। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके अच्छे से अपने आई पे अप्लाई करूँगी। एक्चुअल में क्या था ना, चीज़ें जब आपके घर में कुछ होता है ना, तो फटाफट में कुछ हो नहीं पाता है ना, तो मैं लास्ट में ना एंड में मैं लाइनर ही लगाना भूल गई और क्लोजअप भी नहीं ले पाई। और अब जब पार्टी वगैरह में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही अलग होती है, उसमें आपका जो मेकअप है वो नहीं दिखेगा, वो रेड रेड अजीब सा दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फेसेस कनाडा का काजल, फेसेस कनाडा मेबलिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो बस फटाफट से हम काजल अप्लाई करेंगे, इसके बाद लिप लाइनर। और लिप लाइनर मैंने कौन सा यूज़ किया था मुझे याद नहीं, लिंक में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने मिलाने की लिपस्टिक लगाई थी, जो बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इससे पहले मैंने ये ट्राई नहीं की। अभी क्या आ रही है, हर छठ। तो आप इस लुक को हर छठ में भी क्रिएट कर सकते हो, तीज पे भी कर सकते हो, इसे तो मैंने पार्टी में किया था, बट ये ऐसा लुक है ना, आप कभी भी कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल से लाइट में आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, सिर्फ दो लाइट में जो घर में लगती है उसमें मैं आपको मेकअप दिखाती हूं। फाइनली जो हमारा मेकअप है वो क्रिएट हो चुका है, और इसके बाद अभी जो आप देख रहे हो वो सिर्फ देख लो, मैं आप मेरी रिंग लाइट बंद है, दो लाइट ये जल रही, बस इसी लाइट में मैं आपको जो मेरा मेकअप है वो मैं दिखा रही हूँ। तो अभी फाइनल लुक जब रेडी वेडी हो जाऊंगी तो फिर अच्छे से दिखा दूँ।